और इसके अलावा अवार्ड फंक्शंस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आर दे फेयर इन दिस कंट्री? व्हाट शुड आई से अबाउट इट? यू नो वेरी वेल आई एम नॉमिनेटेड सेवरल टाइम्स, बट आई थिंक एक दफा भी कोई अवार्ड नहीं मिला. तो मैं तो शायद इस बारे में कुछ बोलना चाहूंगी नहीं, क्योंकि अब मैं शायद एक्सपेक्ट ही नहीं करती. नहीं सोनिया, दुख नहीं होता बिकॉज इतना अच्छा काम किया इंसान ने. ऑब्वियसली इफ़त, बिल्कुल सही बात है. जब आप ये तो एक नॉर्मल इंसान के साथ भी होता है, जब आप मेहनत करते हैं तो आप उसका एक कहें कि एप्रिसिएशन चाहिए होती है, और वो एप्रिसिएशन मिलती है तो आपको और ज़्यादा दिल करता है अच्छा काम करने का, मतलब एक तरह से आगे बढ़ने का दिल करता है. और जब वो चीज़ें नहीं होती, मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्री, मतलब अपने काम के साथ सर्वाइव करना. उससे वो लोग कर सकते हैं जो पैशनेट हैं, क्योंकि उनको पता है ना इसकी अप्रिसिएशन आपको मिलने वाली है, ना कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है. बहुत सारे ऐसे एक्टर जो सीनियर एक्टर्स हैं, जिनको अब देखें, कबीर खान को, नुमान एजाज को, इन लोगों को बहुत छोटे छोटे बच्चे जो अभी नए नए आए हैं उनके साथ नॉमिनेट करके कोई अवार्ड ना देना तो अजीब सी बात है. अजीब सी बात है, मतलब मुझे लगता है कि शायद ड्रामा चलता ही उन लोगों को. अच्छा, जब फिल्म की थी तुमने, उससे पहले तुमने एक और फिल्म साइन की थी और वो छोड़ के ये फिल्म कर ली थी. अभी रिसेंट जो फिल्म है, जो पहले फिल्म की थी मोहम्मद राना के साथ? नहीं नहीं, वो तो अलग अलग स्टोरी है. लेकिन अभी टिश पटन जो मैं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है, ईद पर रिलीज है उसकी. उससे पहले मैं सॉरी कर रही थी. तो वो वाली क्यों छोड़ी? वो बहुत सारे रीजंस थे उसकी वजह से छोड़ी. बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे. और ये जो की है, इसके क्या रीजंस थे? ये तो क्योंकि ये ऑब्वियसली अच्छी स्टोरी थी, कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, और फिर दूसरी फिल्म मैं छोड़ चुकी थी तो एक फिल्म दूसरी साइन करनी भी थी, तो ये दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस. अच्छा सोनिया, मैंने एक बात नोट की है, तुम्हें छोटा कैरेक्टर करने में कोई डर नहीं होता? तुम प्लेस में भी छोटा कैरेक्टर भी कर लेती हो, अगर मेन लीड में कोई और हीरोइन है तो मैं एक छोटा कैरेक्टर कर लेती हूँ, फिल्म में भी कर लेती हूँ. इसके पीछे कॉन्फिडेंस है या तुम्हें लगता है कि मैं शायद करूँगी ही छोटा कैरेक्टर? छोटा कैरेक्टर सिर्फ ये नहीं कि बस कैरेक्टर हो, मुझे ये होता है कि कैरेक्टर क्या छोटा बड़ा नहीं होता, उसका जो ऑथेंटिसिटी होती है कि कितना हैवी है वो कैरेक्टर, मैं मुझे उससे पता लगता है. जैसे कि मैंने आंगन में 5 एपिसोड्स किए, लेकिन उसके लिए मैंने 30 एपिसोड के स्क्रिप्ट्स पढ़े जस्ट टू नो कि ये कैरेक्टर सारे कैरेक्टर्स में कहाँ स्टैंड करता है. तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि कैरेक्टर बहुत वेरिएशन है और बहुत मतलब अपने आप में जानदार कैरेक्टर है कैरेक्टर्स में चूज करने में या छोड़ने में रिग्रेट किया हो बाद में? चूज़ करने में तो कभी गलती नहीं हुई, क्योंकि जब मैं कर लेती तो मैं उसको ओन करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ. लेकिन बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं और बाद में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वो छोड़ती हैं. अच्छा, अभी तक रिग्रेट नहीं हुआ? नहीं, नॉट एज सच. चलो एक छोटी सी गेम और तुम्हारे साथ खेलते हैं. इनमें से चूज़ करना है कि किसके साथ काम करूँगी, अगर दो चॉइसेस हैं और एक के साथ काम करना पड़ जाए, दोनों में से चूज करना. अब तो बहुत लड़ाई होगी. हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी? ओ, इनके साथ किस में से किसके साथ काम करूंगी? एक ही टाइम पे है, दोनों की चॉइस है और एक को चूज करना. और एक्चुअली मुझे इन दोनों के साथ का प्ले ऑफर हुआ हुआ था. ये मेरे पास तुम हो. मेरे पास तुम हो तुमने क्यों नहीं किया? वो मेरे अपने कोई मसाइल हैं औरतों को लेके, इस वजह से मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि औरतों को, क्योंकि वैसे ही हमारी सोसाइटी में औरतों की एक्सेप्टेंस नहीं है. तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक ऐसा मैं उनको इशू दे दूँ जिसपे, ऑब्वियसली वो एक स्टोरी है, वो एक्टर्स हैं, सब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ मसला है, मैं खवातीन को बुरा नहीं देख सकती. तो शायद इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा आगे जाना. तो बाद में जब पता चला कि उसकी इतनी रेटिंग आ गई और इतना सुपरहिट किया है, सही से बताओ, दिल में हल्का सा दुख हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था. और इनफैक्ट अभी मैं, नदीम भाई और अदनान सब साथ ही बैठे होते, कहते देखो देखो कैसा है ये, वो बहुत हंसते हैं, उनको पता है कि मुझे नहीं करना था. ओके. तो आई थिंक मैं इस बात को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि नदीम भाई और हुमायूं सईद ने जब रिसेंट इंटरव्यूज़ में जिक्र किया कि सोनिया मेरी हमारी चॉइस थी, तो मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ, ऑनर करती हूँ इस बात को. लेकिन ऑब्वियसली सबका अपना था. और मुझे लगता है आयजा के लिए बहुत एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था, उसे बहुत बहुत अच्छे से निभाया उसने. बहुत अच्छा से किया. या अच्छा, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी, सोनिया किसके साथ काम करेगी? दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं. एक नाम चूज करना पड़ेगा. आई थिंक
अदनान. ओके. शान और मोहम्मद राना. शान तो मेरे हीरो हैं. मोमी जान. मोमी के साथ कर लिया है तो शान के साथ. शान के साथ. बिलाल अशरफ और इमरान अशरफ. इमरान अशरफ. बिलाल. इमरान अशरफ. नुमान एजाज और फैसल रहमान. बाप ही बनेंगे लेकिन किसको नहीं, मैंने बाप दोनों के साथ काम किया हुआ वैसे. बट आई लाइक नुमान एजाज वेरी मच. फवाद खान. इनफैक्ट फैसल रहमान की तो मैं मदर बन चुकी हूँ एक प्ले में. रियली? यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था एंड वाज सो चैलेंजिंग और मुझे इतनी हंसी आती थी मेरे सामने खड़े मेरी बेटी का रिश्ता लेके आते शिकवा में. इट वाज सो मच फन. फवाद खान और बिलाल अब्बास. फवाद खान. इनके साथ काम करोगी. देखो इतना आसान सा था, इसमें क्या मुश्किल. नहीं ये तो आसान था. अच्छा क्रिटिसिज्म भी देखो मिलता है, ट्रोलिंग भी बहुत होती है. किस बात पे सबसे ज्यादा दिल दुखता है जब फैंस लिखते हैं? मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है जब कोई किसी की कॉम्प्लेक्शन पे बात करता है. मतलब कॉम्प्लेक्शन इज समथिंग विच इज गॉड गिफ्टेड और सबके अलग अलग लोग, खुदा ने ना हर किसी को अलग सूरत, अलग कलर देके, अलग आइज देख के बनाया है और सब बहुत खूबसूरत है. हर इंसान को मैं देखती हूँ इंडिविजुअली कितनी हसीन है, आप कितनी हसीन है, ये जो कैमरे के पीछे ये कितने हसीन है बगैर बालों के. तो यू नो सबकी अपनी एक ब्यूटी होती है. आप किसी की ब्यूटी पे नहीं, वो तो आप इसमें आपका कोई और हमारे नहीं चलता. नहीं और हमारे यहाँ लोग कलर को लेके इतना क्यों कॉम्प्लेक्स है, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती. हालांकि जितना खूबसूरत ये गंदमी रंग होता है, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई कलर हो ही नहीं सकता. मुझे एक्ट्रेस भी तुम हो जिससे गोरे होने वाले टीके नहीं लगवाए. मैं लिटरली मैं टैनिंग बेड्स पे जाती हूँ बाहर जाके तुरंत टैन करा के आती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक दिस कलर. लेकिन अगर किसी की चॉइस है कि वो अगर टैन रहना चाहता है तो आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर लगाई थी अपनी बीच पे फीट की, तो पीपल वर लाइक ओहो देखो तो मुंह पे इतनी गोरी लगती है. तो मुझे लिटरली मुझे हंसी आती है. मैं मुझे गुस्सा कभी भी नहीं आता. मुझे ना कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि हम लोग अब जिंदगी कहाँ जा रही है, लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों से कि उसके घर में क्या हो गया तो उसके शौहर ने उसको क्या, मतलब जो भी बात है, मतलब छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, तो उस लड़की ने तलाक ले ली, तो यू नो उसका काला रंग है, इसका गोरा रंग है, ये बहुत चिट्टी है, ये बहुत मोटी है. हम लोग इन चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे. तो यू नो हमें लगता है कि हमें अपने आप को, जब तक हम खुद अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे ना तो हम कभी भी, तो ये अफसोस का मकाम है, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है. और लोग जो प्रियंका चोपड़ा से इतनी शक्ल मिलाते हैं उसके बारे में क्या कहोगी? I like her. But you're much more prettier. Oh, I must say. Thank you so much. ऐसी कोई चीज सोनिया जो अपनी लाइफ में अगर उसे मौका मिले तो चेंज कर लेगी? और मुझे लगता है कि मैं इतनी इमोशनल हूँ ना, मैं शायद उसको चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपनी अटैचमेंट क्रिएट कर ली किसी से और वो वन साइडेड होती है. तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इससे ना आप ही को दुख होता है, दूसरे के कुछ भी नहीं जाता. आप पीछे चले जाते हैं, आप आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह रुक जाते हैं, आप उस चीज़ के यू नो फ्लो में चले जाते हैं और आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है. मैं बहुत जगह जाके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को, स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि वो एक वो होता है ना हॉर्स जो ब्लिंकर्स लगा के जाते हैं, वो इसीलिए कि उनका फोकस एक जगह पर है. तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ब्लिंकर्स लगाने की ज़रूरत मुझे है क्योंकि वो इमोशनल जो एक वो है ना वो मुझे ख़त्म करने की ज़रूरत है शायद. लेकिन वो समहाउ आपकी एक्टिंग पे भी वो होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा रिजिड होती हूँ तो वो मेरी शक्ल पे आ रहा होता है कि आप, मैं एक वॉल बना के अपने इर्द गिर्द घूम रही हूँ. तो एक ब्लेसिंग भी एक तरह से, लेकिन एक तरह से कर्ज भी है मेरे अपने लिए. मुझे बड़ा मैं बहुत इस तरह से हो जाती हूँ. ख्वाब क्या देखती है सोनिया? मैं ख्वाब मेरा बस ये है कि मेरे जो बहन भाई हैं ना वो किसी मकाम पे जाएं और मेरा नाम बहुत रोशन करें. ये मेरा ख्वाब है. वो ख्वाब तो अल्लाह ज़रूर पूरा करेगा, लेकिन अपने बच्चे भी करने हैं, अपनी भी शादी करनी है कि नहीं? मैं शायद अडॉप्ट करूँ. वो तो ठीक है. That I have decided. मोहब्बत तो करोगी ना? मोहब्बत करने वाले भी तो मिले. मिल, ये तो नहीं हो सकता सोनिया के कोई मिलता ना. Nobody is loyal. वो कहते ना एक मोहब्बत तो खैर कर ही चुकी हूँ. और मैं बिल्कुल शर्म नहीं करती इस बात को वो करने में, लेकिन मैं उस तरह की हूँ. कहते ना कि एक बड़ा अच्छा एक वो था कि
हद अदब का ये मकाम था कि उन्होंने कहा हम चलें, हमने कहा चले जाइए। तो ये वो वाली बात है कि मैं कुछ मना नहीं कर सकती किसी को, लेकिन वन साइडेड मोहब्बत हो ही सकती है, उसके टू साइडेड हो नहीं सकती, बिकॉज नो बडी इज़ लॉयल टू एनी बडी। यहाँ हमारे पास लॉयलिटी की इतनी कमी है कि जिसका कोई जिक्र भी नहीं कर सकता। बस इसी नोट के साथ कि यू गेट अ लॉयल पार्टनर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और नाज़रीन इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।